की जाएगी बालू माफियाओं के विरुद्ध और लगातार जो छापेमारी वो बढ़ा दी जाएगी और इस घटना में जो भी लोग अन्य जो लोग सम्मिलित हैं उसकी हम लोग जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे। यार अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, इसमें जो अवैध ट्रैक्टर था जिसे बालू ले जाया जा रहा था उसको गढ़ी पुलिस ने जब्त कर लिया गया है और चालक की पहचान कर ली गई है जो कि सुबह को गोलगतनी समाचार बटुए जमुई से बड़ा खबर आ रहा बटुए। बालू माफिया अपर थानेदार आ एगो होमगार्ड के जवान के ट्रैक्टर से कुचल दिहले। दरोगा के जगह पर कहानी भइल साफ। जवान घायल जवान जीवन आ मौत से जूझ रहा बटुए। जी हाँ, बड़ा खबर आ रहा बटुए बिहार के जमुई जिला से। जमुई जिला के गरही थाना क्षेत्र के महुलिया टाण गांव के भीरी तेज रफ्तार अवैध बालू लदल ट्रैक्टर बाइक सवार गरही थाना के अपर थानेदार आ एगो जवान के कुचल दहलस। जवाना से जगह पर दोनों जना के एहमे एक जना के माफ करब एक जना के जो अपर थानेदार रहन जान चल गई जबकि यह दुर्घटना में एगो होमगार्ड के जवान घायल हो गए जिनकर इलाज शहर के निजी क्लिनिक में कई जा रहा बा। मुँह वाला दरोगा के पहचान सिवान जिला निवासी प्रभात रंजन के रूप में भइल बटुए। बतावल गई कि प्रभात रंजन जमुई जिला के गरही थाना में अपर थानेदार के पद को कार्यरत रहन। मंगर के सुबह गुप्त सूचना मिलल कि मोहली टाण नदी से अवैध बालू तस्कर के द्वारा उठाव कई जा रहा बा। सूचना के बाद होमगार्ड जवान राजेश कुमार के साथ बाइक पे सवार होके छापेमारी खातिर निकल गिल। जैसे ही इनकर बाइक महोलिया टाण के नज़दीक पहुँचल तो इनकर नज़र अवैध बालू लदल तेज रफ्तार ट्रैक्टर पर पड़ल जेकरा के रोके के कोशिश कैलन। जब अपर थानेदार रोके के कोशिश कैलन लेकिन ट्रैक्टर सवार अपर थानेदार के दरकचत आगे निकल गई जौना में दोनों जना घाई हो गए लोग। इलाज खातिर सदर अस्पताल ले आवल गई जहाँ पर डॉक्टर चिकित्सक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार अपर थानेदार प्रभात रंजन के मुअल घोषित कर देनी जबकि घायल होमगार्ड जवान राजेश कुमार के हालत गंभीर बटुए। रउरा सबके बता दी कि यह अपर थानेदार 2018 बैच के अपर थानेदार रहल हन। ये तेज तरार रहल हन लगातार कार्रवाई करत रहल हन जेकरा के लेके बालू माफिया में हड़कंप मचल रहल हटुए जेकरा बाद ये बालू माफिया ये तरीका से घटना के अंजाम दे देले बाड़े। हालांकि हमें पुलिस पदाधिकारी के कहना बा कि इनकर परिजन के सूचना दे दिहल गई बटुए। परिजन आज रात 8 बजे तक घरे पहुँच जी हैं। बता दी कि जे पुलिस पदाधिकारी बा बता रहल बा लोग कि ओकर पहचान ट्रैक्टर के हो चुकल बा ड्राइवर के भी पहचान हो चुकल बा जल्दी ओकर गिरफ्तारी होई। बयान सुनी कि का कहत नि प्रभारी प्रेम मना लीजिए सर क्या घटना हुई है प्रसन्न जी हुआ ले? सर क्या घटना घटी है? गरही थाना के द्वारा अवैध बालू के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही थी। बहुत सारे जो है बालू माफिया और अवैध ट्रैक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और आज दिनांक 14 को सुबह जो है एक गुप्त सूचना मिली कि अवैध बालू की निकासी की जा रही है। उसी गुप्त सूचना के आधार
काफ़ी समय से हमको लग रहा है लगभग इनको एक साल हो रहा होगा, और इनकी फैमिली जो है दिल्ली में थी, जिनको खबर कर दिया गया है वो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, इनके जो परिवार के जन हैं और अन्य जो लोग वैशाली और अन्य जो है कुछ रिश्तेदार नवादा में हैं वो लोग भी पहुंचने वाले हैं। सर तो, इसकी पहले भी पुलिस हमेशा बालू माफिया के निशाने पर रही है, कई बार हमने की है लेकिन पुलिस कहीं कहीं इसमें लापरवाही कर, बालू माफिया जो सख्ती से कार्रवाई नहीं की जाती सर, आखिर उसका क्या कारण है और उस पर क्या विशेष अंकुश लगाया जाएगा सर? जम्मू पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, आप सभी लोग अवगत हैं, जो भी इसमें FIR अधिक काफ़ी अधिक संख्या में लगातार हर महीने लगभग 40 से 50 FIR हो रहा है, जो गिरफ्तारी है बालू माफियाओं की काफ़ी अधिक संख्या में हो गई है, लगभग एक साल में सैकड़ों FIR हो रहा है। जम्मू पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में, आप लोग भी जानते हैं बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, आपका जमुई हो, झाझा हो या कोई भी क्षेत्र हो, लगातार विशेष टीम बनाकर छापेमारी की जाती है। अभी जमुई के दौलतपुर में एक विशेष अभियान चलाकर बहुत सारे ट्रैक्टर जब्त किए गए, गाड़ियां जब्त की गई, कई लोग गिरफ्तार हुए, महिलाएं भी उसमें गिरफ्तार हुई जो पुलिस पर जो है पत्थरबाजी कर रही, तो जब भी पुलिस के साथ कोई भी घटना होती है पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई होती करती है, प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस लेती है, इस तरह की कोई भी आसूचना हम लोग को प्राप्त होती है कि कहीं भी अवैध बालू निकल रहा है तो निश्चित तौर पर हम लोग टीम बनाकर कार्रवाई करते हैं, तो कार्रवाई में कोई कमी नहीं है, कार्रवाई और बढ़ा दी जाएगी, सभी तरह से पुलिस एक्टिव है और कार्रवाई करती है।